मम्मी आ गई हैं हमारा, क्योंकि आज घर शिफ्ट होके यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो आने से पहले इन्होंने कढ़ी चावल मंगा लिए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे छुट्टी। और मैं देख रहा हूँ कि ये घर ना, घर में ना इतना खाली खाली लग रहा है। हम सब लोग हैं अब की यहाँ पे, फ्लैट में सब भरा भरा सा लगता था। हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग जा रहे हैं गाजियाबाद, मैं, शर्मा जी और मेरी भांजी, क्योंकि हमें वहां जाके करनी है पैकिंग। पैकिंग इसलिए क्योंकि हम हो रहे हैं अपने नए घर में शिफ्ट, कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है तो हम उधर जो मतलब बाकी तो सामान बड़ा वाला तो आता रहेगा, हम लोग अपने क्योंकि कपड़े वगैरह वो सब पैक करने पड़ेंगे, किचन पैक करनी पड़ेगी, तो वो सब पैक करने जा रहे हैं। और हो सकता है आज शाम को ही सामान आ जाए हमारे नए घर में, तो दिखाते हैं फिर हमारा नया घर कैसा है। क्योंकि हम शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं वहाँ पे कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि डॉक्टर हमारी यहीं की हैं और मम्मी पापा पूरी तरीके से वहाँ गाजियाबाद सेटल नहीं हो पा रहे हैं। आना जाना, और फिर क्योंकि पापा नहीं जा पा रहे थे, पापा का काम इधर बहुत ज्यादा है, तो पापा यहाँ रहते थे, हम लोग वहाँ रहते थे, या फिर कभी हम दोनों वहाँ रह रहे हैं, पूरी फैमिली है, दीदी के एग्जाम्स वगैरह होते थे, इसलिए हम लोग इधर ही शिफ्ट हो रहे हैं। शहर ही शिफ्ट हो रहे हैं, पूरी फैमिली एक साथ रहेगी। और सबसे बढ़िया बात है दीदी भी यही है सारी पास में, एक साथ मिल जाएगा, मेरे मम्मी पापा भी वही है पास में, तो अब लगेगा कि यार हाँ हम लोग कहीं हैं, क्योंकि उधर तो ऐसा लगता था बिल्कुल एकांतवासी हो गए हम लोग, ना कोई आ पा रहा है ना जा पा रहा है। फिलहाल करते पैकिंग, उसके बाद छुट्टियों में मजे भी आने वाले हैं। यस, छुट्टियों में फिर मजे आने वाले हैं, सारी दीदियाँ आ जाएंगी एक साथ, उसके साथ उसके बाद मौज मस्ती बहुत सारी, मम्मी पापा भी आ जाया करेंगे। चलो फिलहाल तो चलते हैं काम पे अपने। हमारी पैकिंग हो गई है शुरू, और रूबी कर रही है पैक पूरे कार्टून में अपने कपड़े, किचन का सामान और भी बहुत सारी चीज़ें, और उनकी भांजी छुटकी लगी हुई है उनकी हेल्प करने में। आप कोई हेल्प नहीं कर रहा, और मैं ये कार्टून बना रहा हूँ, बता दो ना। हाँ। मैं टेप लगा के बना रहा हूँ। लो रखो, नेक्स्ट लेके आओ। नेक्स्ट जाओ छुटकी लेके आओ। नीचे तो आप रखोगे। ओके गाइस, हमारे घर में शिफ्टिंग के लिए आ चुके हैं पोर्टर वाले, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है पोर्टर का, हमें कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया उन्होंने खास। बट ये देखिए आप, हमारे घर के सोफा और बाकी सब आइटम्स की पैकिंग चालू है। श्वेता ने भी खुद अपने से भी 7 कार्टून पैक कर चुकी है। हाँ, हालत हो गई खराब, ये फ्रिज भी बिल्कुल साफ हो गया है। क्या करना, उस तो पूरा घर हो गया एकदम साफ। सारा सामान हमने ले लिया है यहाँ से, आपको दिखा देता हूँ हर कमरा। ये लॉक कर दिया है, ये देखो सर सारी चीजें। ओके चल, मम्मी आ गई हैं हमारा, क्योंकि आज घर शिफ्ट होके यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो आने से पहले इन्होंने कढ़ी चावल मंगा लिए, और कढ़ी चावल की सुगंध से ही इनका, मम्मी कढ़ी चावल बहुत अच्छे बनाती हैं, अब देखना कर रही है। तो मैं नहीं खाने। और ऊपर से ये मोनू मामा, आपको काफी टाइम बाद देखने को मिल रहा है। ये हमारे कई शहरों की, कई लोगों की, कई मोहल्लों की, कई घरों की जान है। यहाँ से लेके वहाँ तक, और वहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ पूरे इलाके में, कोने कोने में आपको परचम। दे दे, सबसे पहले तू ये तू ही खाने लगी। मैं तो अब तो बिल्कुल मैं बहू थोड़ी हूँ यहाँ पे। पहले रिश्तेदार बोल रहे हैं। रिश्तेदार कौन है? मैं मामा रिश्तेदार। मामा सकुनी रिश्तेदार। मैं बस थैंक यू। इसलिए मेरा खाना। चलो लो। लाली दूध, लाली दूध, दीदी ने। और सुबह तो पहले। दीदी ले लेंगे, मैं सबर है तो मैं नहीं, मुझे पता है मामा तो फोड़ नहीं पा रहे हो। ला ला ला, ले लो तो। ये भगवान। हरी मिर्च तो? ना, मैंने खाता हरी मिर्च। कड़ी चावल। दोस्तों हमारी शिफ्टिंग चल रही है, बट अभी हमारा पूरा घर शिफ्ट नहीं हो पाया है। मेरा गला बैठ गया क्योंकि ठंडा गर्म पानी पीने से, क्योंकि गर्मी रहती है तो ठंडा पानी पीने का बिल्कुल मन करता है। अभी हमारा पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन आज का जो शुभ दिन था इसलिए हमने शिफ्ट कर लिया है, और कुछ बना के यहाँ पे फिर हम कल को पूरी तरीके से शिफ्ट करेंगे। अब देखते हैं श्वेता क्या बना के तैयार करती है, पूरे दिन बेचारी थक गई होगी, और
गंदी भी हो गई है। हाँ कपड़े खराब हो रहे हैं शिफ्टिंग करते करते। घर की हालत देख लो जरा, तुम गंदी भी हो गई ना, तो कुछ गंदी कैसे कह सकते हो? यही तो ऐसे कह सकता हूँ। आज से मेरी और तुम्हारी अभी से लड़ाई। अच्छा अब ये हलवा बनाना है ना तैयार कर दिया। लग रहा है हमारी गैस यहाँ के जल के चल रही। यार वहाँ की गैस बहुत तेज चल रही है। तो वो पाइपलाइन वाली थी शायद, उसमें कम गैस आती थी इसलिए ऐसा मैंने अंदाजा। अब सूजी का हलवा बनना शुरू हो गया है ये पूजा के लिए और हम लोगों के लिए एक एक कटोरी। ये देखो ये है हमारे भांजे। इनके हाथ दिखाओ, इन्होंने घर में सबसे ज्यादा काम किया है। दिखाइयो अब मैं हाथ दिखा दो मामा को। हाथ इतने गंदे कर रखे हैं पूछो मत। सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया है। और ये देखो छुटकी। हेलो गाइस। ये हमारा सोफा किस तरीके से अभी पूरा फैला हुआ है पूछो मत। बट हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ गैस बहुत तेज चल रही है। अरे अब तुम्हें रोटी चाहिए वही टाइट चाहिए ना। अब सुबह बन के आ चुका है दोस्तों। अभी बेड पे बेडशीट नहीं लगी है, पापा ने वही ले लिया है। आ जाओ पापा आ जाओ। ये स्कूट आमू साथ ले आओ। पापा भी आज शिफ्टिंग कर करके सबकी हालत खराब हो रही है। अब भी पूरी हुई नहीं है। अभी भी नहीं हुई है पूरी, टाइम लगेगा। देखो पूरी आ गई है। चलो बैठो बैठो बैठो। सफाई कोई बात नहीं। चलो शुभारंभ करो खाने का। पापा ऐसे तो सबको लगेगा कि मैंने बुरा बनाया है। जहां गुना पड़ रही। अब ड्राई फ्रूट्स मिले नहीं ना, इधर किशमिश मिली थी बस मैंने वो डाल दी। ड्राई फ्रूट ना रहे फूड अभी। अब अच्छा अब एक साथ ही अभी क्योंकि सब कुछ सेटअप नहीं हुआ है ना इस वजह से। फाइनली गाइस घर शिफ्ट हो चुका है पूरी तरीके से और सब फैमिली मेंबर्स भी आ गए हैं। और आपको आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी भांजी का बर्थडे है और उसको सेलिब्रेशन करते हैं। आप सब लोग भी अपने अपने विशेस उसको दे दीजिएगा। अभी हम उसकी केक काटने की तैयारी करते हैं। और आज पहले दिन हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं और फर्स्ट डे है तो उसी दिन उसका बर्थडे भी है। तो ये दोनों शुभ कार्य एक साथ हम लोग कर रहे हैं। सब लोग हो चुके हैं तैयार। मम्मी देखो मम्मी तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं है? तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं? बाल ना काटे तुमने? ना तो। अरे काट लो ना। अरे काट लो मम्मी काट लो। ये देखो हमारी मास्टरनी। हाँ मास्टरनी उली उली ये नाम बस एक इंसान लेता है उली। ये है क्या हो गया जल गया? और ये है हमारी बर्थडे गर्ल आज की। इन्होंने बिल्कुल पिंक कलर की पहन लिया कैप। गर्ल्स वाला कलर। तू क्यों आ जाता है बार बार हैं? इधर को ए बेटे क्यों? ये सोच रहा है बर्थडे उसका तेरा है। ये आपने समझा किसी का भी बर्थडे से ही अपना समझ ले। हां तो नानी जी आ रही हैं अभी। मम्मी भी आ गई हैं रेडी होके और मम्मी ने बाल काट लिए। मम्मी आ जाओ केक कटवा दो। क्यों हंस रही हो? वही देखो कितने इनके लिए तो पहली पहली बार वीडियो बन रही है ऐसा लग रहा है ना। अब हम अपने दूसरे घर में आए ना आज इसलिए। तो 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे छुटकी, हैप्पी बर्थडे डियर छुटकी, हैप्पी बर्थडे। ये क्या बोल रहे हैं? तो छुटकी ने केक कट कर दिया है अब।
किसी को एक कैंडल जले रहनी देनी थी जो हम मंदिर में लगाते थे, बट इसने दोनों कैंडल अब मामी को चार के पहले मम्मी को। तो हैप्पी बर्थडे बोल दो भाई। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, चॉकलेट भी मेल्ट हो रखी है गाइस। हैप्पी बर्थडे तो मैंने बोल दिया है। ले ले सबसे बड़ा पीस मैं मिला था तुझे पूरा एक ही बारी में। हैप्पी बर्थडे चुपकी, खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो लिखो, खूब तुम प्रोफेसर बनो, मैं सबको प्रोफेसर बनने का ही आशीर्वाद देती हूँ। ले लगा दिया तूने करिश्मा? अभी तो मैं आज देगा तुम्हें नहीं मिलेगा, इसे भी खिला दूंगी। नहीं तुझे नहीं मिलेगा, पढ़ता नहीं है। चलो चलो जाओ जाओ, मैं खिला देंगी, जा दोनों दोनों के। देखो ये लेफ्ट हैंडर है, नहीं उल्टो हाथ पड़ो, तुम तो ही खिला दो इन्हें। तू तो खिला दे। हे भगवान, कहीं काम पे और मैं देख रहा हूँ कि ये घर ना, घर में ना इतना खाली खाली लग रहा है। हम सब लोग हैं अब कि यहाँ पे फ्लैट में सब भरा भरा सा लगता था। केक लगा? नहीं कुछ नहीं लग रहा, और यहाँ सब एकदम खाली खाली, इतना बड़ा है नहीं। अब इस वाले घर का होम टूर देंगे एक दिन में, अभी नहीं देंगे, थोड़ा लेट देंगे, बट इसमें हम कुछ काम करा रहे हैं तो ये हो जाए कम्प्लीट, उसके बाद देंगे। खुशी में, बर्थडे की खुशी में शायद ऐसी कुछ चीज बननी है जिससे मैं और मोटा हो सकता हूँ। कचौड़ी? ठीक है। अरे वाह, गर्मी ना हो। वैसे तो पापा इंतजाम कर, पापा ने देखो पापा ने इंतजाम कर दिया है कि गर्मी ना लगे, इसलिए पापा पंखा रोज का एक हमारे घर में एक सामान मतलब एक एक्स्ट्रा कर देते। पापा कुछ ना कुछ रोज एक सामान लेके आ रहे हैं। कल आरओ लगवा के चले गए नया, यहाँ पे आज पंखा आ गया, कल देखते हैं क्या आता है। गाइस ये देखिए केक का तरीका, छुटाया है। किसे छुटाया? प्रसाद के चम्मच से। ये पहली बार ऐसा हुआ है आज चोर पकड़ा गया है। वरना पता है क्या होता है, हमारे किचन में या फ्रिज में कोई चीज होती थी ना तो गायब हो जाती थी, तो हम कहते थे फ्रिज खा गया। तो आज पता चली है कि ऐसे कुछ होता है। वही तुमसे हद है देखना। ओहो तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि बहुत दिनों से हमारा व्लॉग नहीं आ रहा था, मतलब एक हफ्ता हो गया है। तो उसके दो रीज़न थे, एक तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी तो इसलिए मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, नॉर्मल ऐसे ही सब चला गया। और दूसरा, हम लोगों ने अभी अपना घर शिफ्ट किया है, हम लोग आ गए बुलंदशहर गाज़ियाबाद से। वो मैं आपको होम टूर बाद में दूंगी, अपना घर दिखाऊंगी, बहुत प्यारा घर है। तो उसमें थोड़ी बिजी थी जिस वजह से हम आपको व्लॉग नहीं दे पा रहे थे। अब जैसे हमारे व्लॉग आते हैं वैसे ही कंटिन्यूटी रखेंगे, मतलब एक दिन का गैप और एक दिन व्लॉग। तो फिलहाल का व्लॉग, आज का व्लॉग तो हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।